मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मित्रों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया बहुत अचूक और रामवाण उपाय बताऊंगा, जो बहुत ही चमत्कारी और असरदार है। ये उपाय करने से आप सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। आज गुरु जी की ही कथा सुनकर आपको इन उपाय के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप महादेव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। हमारे हिंदू धर्म में लौंग के प्रयोग का खासा महत्व बताया गया है। लौंग जहां एक तरफ हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, वहीं दूसरी तरफ पूजा विधि में लौंग का उपयोग करना सदियों से चला आ रहा है। लौंग ज्योतिष शास्त्र में विशेष स्थान रखती है, क्योंकि इसके माध्यम से किए गए कुछ उपाय या टोटके ऐसे हैं जो हमारी समस्या को दूर करने में सक्षम है। लौंग का प्रयोग पूजा पाठ में होने के साथ तंत्र मंत्र के क्रियाओं तक में किया जाता है। अधिकतर हम नवरात्रों में मां दुर्गा की पूजा के समय इसे प्रयोग में लाते हैं। आज हम लौंग के कुछ चमत्कारी टोटकों के बारे में बात करेंगे। अपने घर से बुरी और नकारात्मक शक्तियों को हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहते हैं तो शनिवार या रविवार की संध्या को 5 लौंग, 3 कपूर और 3 इलायची लें। इन तीनों को जला दें और जब यह अच्छी तरह से जलने लगे तो इसे अपने पूरे घर में घुमाएं। लौंग के इस मिश्रण के पूरी तरह से जलने के बाद इसकी राख को अपने घर के मुख्य द्वार पर डाल दें। यदि राख को सूखा नहीं डालना चाहते तो इसे पानी में घोलकर मुख्य द्वार पर इसकी छींटे मारें। यह लौंग का टोटका आपके घर से सभी बुरी शक्तियों का नाश कर देगा। ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि जिन जातकों की कुंडली में राहु केतु अशुभ फल दे रहे हैं और हर कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो उन्हें शनिवार के दिन लौंग का दान अवश्य ही करना चाहिए। दान के अलावा आप लौंग को शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते हैं। इस क्रिया को लगातार 40 शनिवार तक दोहराएं। इससे जातक की कुंडली से राहु केतु के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। नौकरी हासिल करने में भी लौंग का टोटका तंत्र शास्त्र के अनुसार काफी कारगर माना जाता है। इसके लिए घर से निकलते समय अपने मुंह में 2 लौंग रख लें। उसके बाद जिस जगह इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वहां द्वार पर उस लौंग के अवशेष फेंक ईश्वर का ध्यान करते हुए प्रवेश करें। इस तरह से आपको वह नौकरी अवश्य ही मिल जाएगी। किसी का घर में बीमार रहना, हर कार्य में बाधा आना, गृह क्लेश रहना, ये सभी समस्याएं जीवन को बड़ा मुश्किल बना देती हैं। इनसे निपटने के लिए हर शनिवार को तेल का दीपक जलाकर उसमें 3-4 लौंग डाल दें। उस दीपक को घर की सबसे अंधेरी वाली जगह पर रखें। इस तरह आपके घर से सभी कलेश, संकट और विपत्तियां टल जाएंगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। अगर आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं या फिर नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वह पूरा हो जाए, तो तंत्र शास्त्र का यह उपाय आपकी काफी मदद करेगा। इसके लिए आप जब घर से निकले तो 2 लौंग मुंह में रख लें और कार्यस्थल पर पहुंचकर लौंग के कुछ अवशेष मुंह से फेंक दें। इसके बाद इष्ट देवों का ध्यान करें और मन ही मन प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपका कार्य अवश्य पूरा होगा और तरक्की के नए मार्ग भी मिलेंगे। अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए आपको उनसे झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि केवल लौंग के प्रयोग से आप उनसे बड़ी ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ ही 5 लौंग कपूर के साथ प्रज्वलित करें। जब वह पूरी तरह से जल जाए तो उसकी राख को अपने माथे पर तिलक की तरह लगाएं। यह लौंग का टोटका अपनाने से आपको अपने शत्रुओं से जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी। धन प्राप्ति के लिए 1 लौंग का उपाय यह है कि हर रोज या हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करते समय उन्हें गुलाब के पुष्प के साथ 2 लौंग भी अर्पित करें। साथ ही 5 लौंग की कलियों को 5 कौड़ियों के साथ 1 कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में बरकत बनी रहेगी और कभी दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अगर आपका धन काफी दिनों से अटका हुआ या फिर लौटाने में आनाकानी कर रहा है,
तो पूर्णिमा या अमावस्या की रात 11 या फिर 21 लौंग कपूर के साथ जलाएं। इसके बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और माता लक्ष्मी ध्यान करते हुए अपनी समस्या से अवगत कराएं। ऐसा करने से अटका धन वापस आने के योग बनते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से धीरे धीरे सभी आर्थिक समस्याएं भी खत्म होने लगती हैं। अपनी आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने और अपने कार्य में सफल होने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी पूजा करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उसके बाद दीपक में 2 लौंग डालें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। 21 मंगलवार लौंग के टोटके को अपनाएं। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। यदि आपका पैसा लंबे समय से कहीं पर अटका हुआ है और वह वापस नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा के दिन कपूर और 21 लौंग से माता लक्ष्मी का हवन करें। हवन करने के पश्चात माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपका दिया हुआ उधार आपको वापस मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि लाख मेहनत करने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाता या फिर बना बनाया कार्य एक झटके में खत्म हो जाता है, तो लौंग का यह उपाय आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आप 21 मंगलवार तक हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और आरती उतारें। फिर हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए अपनी समस्या के बारे में बताएं। ऐसा करने से आपके भाग्य का दरवाजा खुलेगा और सभी कार्य आसानी से पूरे होने लगेंगे। दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए या अचूक उपाय और नियम अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए।